वडोदरा के मानेजा फाटक निकट राधा कृष्ण पार्क सोसाइटी में एक साथ 8 से 9 मकान का आगे का हिस्सा धराशायी होने से हड़कंप मच गया। एक साथ 8 से 9 मकान के स्लैब टूटकर अचानक गिर पड़े, जिससे मौके पर अफरा तफरी देखी गई। इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। रात के करीब 12 बजे के आसपास ये घटना घटी, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्लैब पड़ गया जी, हमारे वाइफ ने बता रहे हैं नुकसान था जी। गवर्नमेंट का ही हेल्पर है, तो सारे झंडा बेजर का इच्छे बिल्डर ने बिल्डर से हमें पकड़ा लिया जी। 8 9 मकान के हम लोग चारपाई पे बैठे हुए थे, तो हम दोनों बैठे हुए थे, हम खिला रहे बच्चे को, इसी प्रकार को ऊपर से ऐसे अलग ही बिजली कड़की है, तो हमने कहा बिजली कड़की के बादल में, तो इतने बड़ा मौका मिलता, हम देखने की कोशिश करी, उससे बड़ा था ये सब ऊपर से गिरा पत्रा, तो हमें फिर उसके बाद हम दब गए, सब लोग चिल्ला रहे, हमें पता बच्चा हमारे गोद में चिपका हुआ था, वो तो बच्चा भी बच गया 6 महीने का, तो सब लोग आए इकट्ठे, सबने खींचा निकाला, और वो नीचे दबी है, वो हम कहाँ देख पा रहे, क्योंकि हम ऊपर खाट पे थे, वो खाट के नीचे थे, क्या थे वो हम नहीं आते, लेकिन उसको इतना चोट लगा, बहुत खतरनाक चोट लगी।